आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। साइकिल से टीकाकरण की अलख जगा रहे हैं विधायक प्रदीप यादव। 4 चरणों में कर चुके हैं 100 किलोमीटर से अधिक की साइकिल यात्रा। युवा साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल ने भी विधायक के प्रयासों की तारीफ की। प्रदेश कांग्रेस ने वैक्सीनेशन के प्रचार के लिए बनाया है संथाल परगना का प्रभारी। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। पेश है आपके समक्ष दयानंद राय की रिपोर्ट। पोड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की साइकिल यात्रा कोरोना वैक्सीन को लेकर फैले भ्रम को दूर करने में सफल दिख रही है। साइकिल से की गई उनकी जन जागरूकता यात्रा का ही नतीजा है कि क्षेत्र में लोग उत्साह पूर्वक टीका लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। प्रदीप यादव ने बताया कि टीकाकरण को लेकर अब तक 4 चरणों में वे साइकिल से 100 किलोमीटर से अधिक की जन जागरूकता यात्रा कर चुके हैं। 5वें चरण में वे गुड्डा से मुस्लिम और आदिवासी बहुल इलाकों में 20 जून के बाद साइकिल यात्रा करेंगे। टीकाकरण को लेकर जनता में फैले भ्रम दूर हों इसके लिए उन्होंने अपनी मां सावित्री देवी का भी टीकाकरण करवा दिया है। प्रदीप यादव ने बताया कि वैक्सीनेशन के प्रति गांव-गांव में दुष्प्रचार से लोग डरे हुए थे। लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया गया था कि टीका लेने से लोग बीमार पड़ जाते हैं, जबकि यह सच्चाई नहीं है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए मैंने साइकिल से जन जागरूकता यात्रा की और उसके नतीजे अच्छे आए। 8 जून को बोहरा स्टेडियम में लगे कैंप में एक दिन में 1000 से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। इसी तरह 11 जून को पोड़ैयाहाट अस्पताल में 60 से अधिक आदिवासी युवाओं ने वैक्सीनेशन कराया। विधायक प्रदीप यादव के जन जागरूकता कार्यक्रम की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित युवा साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल ने भी सराहना की। उन्होंने कहा कि महीने भर से साइकिल लेकर सड़क पर वैक्सीन की खातिर एक एक व्यक्ति को तैयार करने का आपका अभियान सराहनीय है। उसका जादुई परिणाम देखा बोहरा के एक कैंप में, जहां एक दिन में 1000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन ली। देश के किसी भी गांव के लिए यह प्रेरणा है।